हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत राहटे आपका फिर से एक बार इस ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, हम आज अपना फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी इस सब्जेक्ट का टॉपिक नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। और प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड हम दो दो पार्ट में पढ़ेंगे, इसलिए आज के पार्ट का नाम हम लोगों ने लिखा है पार्ट 1। दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये अंडर यूनिट नंबर 1 आता है, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड एंड फ्लूइड प्रेशर। तो हमने लास्ट लेक्चर को आगे बढ़ने से पहले लास्ट लेक्चर को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ाया था डिफाइन फ्लूइड्स, डिफाइन न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स, डिफाइन रियल एंड आइडियल फ्लूइड्स, लिस्ट टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स, लिस्ट एनी फोर एप्लीकेशन ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। ये जो टॉपिक्स थे हम लोगों ने लास्ट यूनिट में पढ़े हैं, आज हम प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। लर्निंग आउटकम, तो देखिए आज के टॉपिक का लर्निंग आउटकम क्या है हमारा। तो हम यहाँ पे डिफाइन डिफरेंट फ्लूड प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं, कंपेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूड प्रॉपर्टीज, मतलब डेंसिटी है, विस्कोसिटी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है, दीज आर द फ्लूड प्रॉपर्टीज। और इनको हम लोग एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे, क्योंकि जब भी हम लोग स्टडी करते हैं फ्लूड प्रॉपर्टीज मैकेनिक्स, मतलब फ्लूड मैकेनिक्स का, तो हमें इनका कंपेरिजन वहाँ पे यूज होता है। कैलकुलेट फ्लूड प्रॉपर्टीज एज पर गिवन सिचुएशन, मतलब हमें इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स दिए रहेंगे, उस न्यूमेरिकल्स के अकॉर्डिंग हम लोग फ्लूड प्रॉपर्टीज को एनालाइज करेंगे। डिफरेंशिएट फ्लूड प्रॉपर्टीज, अलग अलग फ्लूड प्रॉपर्टीज है उसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो आज का प्रोग्राम आउटकम है PO1, PO4, PO6 एंड 7। तो PO1 होता है बेसिक नॉलेज, डिसिप्लिन नॉलेज। तो यहाँ पे आपको मैथ, साइंस, इंग्लिश का और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का नॉलेज यूज होगा, इसलिए यहाँ पे PO1 सेटिस्फाई हो रहा है। PO2 और PO3 सेटिस्फाई नहीं होगा, हाँ, बट PO4 सेटिस्फाई होगा, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टीज है ये हम लोग जब प्रैक्टिकल करेंगे तो ये प्रॉपर्टीज का हमें यूज है। और कैसे कैसे यूज होगा आपको जब हम लोग प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तो आपको पता चलेगा, इसलिए यहाँ पे PO4 आया हुआ है। PO6 फिर से वही जो कंसेप्ट है कि आप जो भी पढ़ रहे हो वो आपको कम्युनिकेट करना है अपने पीयर्स के साथ में, मतलब अपने दोस्तों के साथ में, सबॉर्डिनेट्स के साथ में। तो PO6 यहाँ पे सेटिस्फाई होगा, और PO7 मतलब लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो आपको यहाँ पे इस टॉपिक को पढ़ने के बाद ये सब चीजें आपको लाइफ लॉन्ग इसका यूज होने वाला है, इसलिए यहाँ पे PO7 भी सेटिस्फाई होगा। PSO1, PSO2, PSO3 सेटिस्फाई नहीं होगा दोस्तों। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, तो देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड डिटरमाइन हाउ कैन बी यूज इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड डिटरमाइन हाउ फ्लूइड्स कैन बी यूज इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड बताते हैं कि फ्लूइड का यूज किस तरीके से किया जाता है इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में। दे ऑल्सो डिटरमाइन द बिहेवियर ऑफ फ्लूइड इन फ्लूइड मैकेनिक्स, और इससे हमको बिहेवियर ऑफ फ्लूइड भी पता चलता है। अभी बिहेवियर वगैरह कैसे पता चलता है, तो देखिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल बताता हूँ मैं। एक ग्लास है, ग्लास में वाटर है, ठीक है, पानी, और एक ग्लास है जिसमें चारकोल है, मतलब डाम्बर है, ठीक है, दोनों की लिक्विड ही है, फ्लूइड ही है। अब देखिए आप लोगों ने अगर दोनों को हाइट से जमीन पे डाल दी, जमीन फर्श है, प्लेन फर्श है, और आप लोगों को कुछ हाइट से उसको जमीन पे डाल दिया, तो क्या होगा, आप खुद सोचिए क्या होगा। पानी जब गिरेगा जमीन पे तो वो ट्रैवल ज्यादा स्पीड से करेगा, मतलब फैलेगा ज्यादा, लेकिन वही जब वो जो चारकोल है वो जब गिरेगा तो वो फैलेगा कम। तो ये क्यों होता है दोस्तों, क्यों, क्योंकि एक प्रॉपर्टी है, दोनों भी फ्लूइड है, दोनों की एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज लेस बट विस्कोसिटी ऑफ चारकोल इज मोर। जितना ज्यादा विस्कोसिटी रहेगा वो पदार्थ उतना गाढ़ा होता है, और वो उतना कम ट्रेवल करता है। जितना कम विस्कोसिटी होगा वो पदार्थ जो लिक्विड रहेगा वो उतना यानी गाढ़ा कम रहेगा, और वो जब ट्रेवल करेगा तो जल्दी जल्दी करेगा। ये प्रॉपर्टीज है, और ये प्रॉपर्टीज का बिहेवियर की यानी जैसे जैसा बोला हमने, दे आल्सो डिटरमाइन द बिहेवियर ऑफ फ्लूइड इन फ्लूइड मैकेनिक्स। तो ये बिहेवियर कैसा होता है एक्ट, उसके ऊपर भी फ्लूइड को हमको स्टडी करना है। तो देखिए यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज दी गई है। पहली प्रॉपर्टी है डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, कैपिलरी एक्शन, ये अलग अलग प्रॉपर्टीज है। इसमें और कुछ प्रॉपर्टीज है, ठीक है, अब यही सब प्रॉपर्टीज को अपने को यहाँ पे पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं, डेंसिटी और मास डेंसिटी। सबसे पहला प्रॉपर्टी है हमारा डेंसिटी और मास डेंसिटी। तो देखिए डेंसिटी इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। इसका डेफिनेशन क्या होता है, डेंसिटी मतलब घनत्व, आपने पढ़ा होगा हिंदी मराठी में भी आपको पता होगा, है ना। सो
डेंसिटी मतलब होता है घनत्व। अगर डेंसिटी का डेफिनेशन क्या है, तो सिंपल डेफिनेशन मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, विच इज द डेफिनेशन ऑफ डेंसिटी। ठीक है, इन अदर वर्ड इट इज द रेशियो बिटवीन मास एंड वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। व्हिच इज द रेशियो बोलो या मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो मास को डिनोट किया जाता है एम से, वॉल्यूम को डिनोट किया जाता है वी से, तो डेंसिटी को डिनोट किया जाता है रो से। ये जो सिंबल है ये क्या है, पी नहीं है दोस्तों, ये रो का सिंबल है, और इसका यूनिट होता है केजी पर मीटर क्यूब। केजी पर मीटर क्यूब कहाँ से आ गया इसका यूनिट, देखिए मास का यूनिट है एम और वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब, इसलिए इसका यूनिट है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, दैट इज केजी पर मीटर क्यूब। द मास डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड इज 1000 केजी पर मीटर क्यूब। 4 डिग्री सेंटीग्रेड स्टैंडर्ड टेम्परेचर है बोला गया इसको, स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे जो डेंसिटी ऑफ वाटर होता है वो होता है 1000 केजी पर मीटर क्यूब। व्हाइल इज एट इट इज 1.20 केजी पर मीटर क्यूब फॉर एयर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड स्टैंडर्ड प्रेशर। मतलब अगर पानी की बात करते हैं तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे पानी का डेंसिटी रहेगा 1000 केजी पर मीटर क्यूब, और वही एयर की बात करेंगे तो एयर का जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर दिया गया रहता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है रूम टेम्परेचर, उस पर रहता है 1.2 केजी पर मीटर क्यूब। समझ में आया दोस्तों, ये याद रखना, ये एक तो फॉर्मूला तो यूज होगा ही, यूनिट फॉर्मूला ये नोटेशन भी आएगा इसमें, बट ये जो चीजें हैं ये आपको अगर आप कभी भी आगे जाके कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स देते हो तो वहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर या व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ एयर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, ये देखिए डेंसिटी का फॉर्मूला है, रो इज इक्वल टू मास डिवाइडेड वॉल्यूम, मास का यूनिट होता है केजी, वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब। फिर देखिए यहाँ डेंसिटी दिया हुआ, ये एक अलग मटेरियल दिया हुआ, यहाँ पे अलग मटेरियल दिया हुआ, ये देखिए ये बेसिकली जैसा एयर है तो एयर के जो तो ये मॉलिक्यूल्स है, और ये समझो फॉर एग्जाम्पल वाटर के मॉलिक्यूल्स है, जितना ये कॉम्पैक्ट है मतलब यहाँ पे डेंस ज्यादा है और यहाँ पे डेंस कम है, तो यहाँ पे डेंसिटी कम आएगी, यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा होगा। समझ में, मतलब क्या होगा कि ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम में मास यहाँ पे भरा हुआ है, ये भी वॉल्यूम में मास भरा हुआ है, यहाँ पे मास कम है, यहाँ पे मास ज्यादा है, मास कम होने से डेंसिटी कम हो जाएगी, मास कम होने से ज्यादा होने से डेंसिटी बढ़ जाएगी, वॉल्यूम दोनों का सेम है। एक एग्जांपल दिया हुआ, अब यहाँ पे अपन न्यूमेरिकल देखेंगे डेंसिटी के ऊपर। देखो क्या लिखा हुआ है, अ क्वांटिटी ऑफ हीलियम गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड विद अ वॉल्यूम ऑफ 4 मीटर क्यूब। मतलब एक हीलियम गैस है जिसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड वॉल्यूम कितना होता है उसका 4 मीटर क्यूब। ये चीज क्या है देखिए याद रखना, वॉल्यूम कितना है यहाँ पे 4 मीटर क्यूब। ठीक है, हैज अ मास ऑफ 0.712 केजी, और उसका मास कितना है 0.712 केजी स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ द सैंपल ऑफ हीलियम गैस, और हमको क्या फाइंड आउट करना है, डिटरमाइन मतलब कैलकुलेट करना है, क्या डेंसिटी, क्या कैलकुलेट करना है अपने को डेंसिटी। अब कैसे करेंगे तो देखिए बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है गिवन, और सॉल्यूशन हमेशा याद रखना, ये दो स्टेप हमेशा आएगी आपके न्यूमेरिकल्स में, पहला क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन के नीचे गिवन मतलब क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दी है, उसके बाद सॉल्यूशन जो आप उनको सॉल्व करेंगे, तो ये स्टेप हमेशा याद रखेंगे, कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो पहले गिवन लिखेंगे फिर सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला गिवन में क्या दिया है, इसने वॉल्यूम दिया हुआ है अपने को, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 4 मीटर क्यूब पर केजी, फिर मास दिया हुआ है 0.712 केजी। ठीक है, तो सॉरी वॉल्यूम है 4 मीटर क्यूब पर केजी में, 4 मीटर पर मास दिया हुआ 0.712 केजी, और निकालना क्या है अपने को डेंसिटी। ठीक है, तो डेंसिटी कैसे डिनोट करते हैं, रो से। देखिए अपने यहाँ पे सॉल्यूशन है, यहाँ पे रो की जगह डी लिखा हुआ है उन्होंने। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल में डी दिया होता है, डी लिखेगा तो सिंपली रो लिखेगा, तो डेंसिटी इज इक्वल होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो मास कितना है 0.712 केजी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 4 मीटर क्यूब, का आंसर आएगा 0.178 केजी। देखिए कितना सिंपल न्यूमेरिकल है, दो मार्क्स के लिए आता है बेसिकली एग्जाम्स में। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी, ये नाम याद रखना, पहला था मास और मास डेंसिटी, यहाँ पे स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी। तो इट इज द रेशियो ऑफ फ्लूइड, तो इट इज द रेशियो बिटवीन द वेट ऑफ फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम, मतलब वहां पे मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम था इसलिए वो डेंसिटी था या मास डेंसिटी था, यहाँ पे वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम है, क्या है वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इट इज ऑल्सो वेट पर यूनिट वॉल्यूम, जो भी आपको डिफिनेशन लिखना है
इट्स यूनिट्स इज न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब यहाँ न्यूटन पर मीटर क्यूब कैसा आया, तो वॉल्यूम का यूनिट देखिए, वॉल्यूम होता है लेंथ वेट हाइट, तो इसका मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर हो जाएगा मीटर क्यूब, और वेट का यूनिट होता है न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा न्यूटन पर मीटर क्यूब। वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड हैज अ स्पेसिफिक वेट ऑफ 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब और 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब। वाटर का 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर कितना स्पेसिफिक वेट होता है, 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब। अगर आप किलो न्यूटन में बात करेंगे तो 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये भी याद रखना दोस्तों, ये भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला देखिए क्या है इसका, वेट डिवाइडेड डब्ल्यू, ये डब्ल्यू मतलब हो गया स्पेसिफिक वेट, इज इक्वल्स टू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय डब्ल्यू स्टैंड फॉर वेट, वी स्टैंड फॉर वॉल्यूम। और इसका दूसरा फॉर्मूला होता है रो इंटू जी। इसका दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, रो इंटू जी। ठीक है, रो मतलब डेंसिटी और जी मतलब ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये फॉर्मूला कहाँ से है, तो ये फॉर्मूला यही से आता है क्योंकि मास मास का मतलब होता है डब्ल्यू इंटू जी, इसलिए यहाँ पे रो इंटू जी आया। आगे बढ़ते हैं फिर, स्पेसिफिक वॉल्यूम, ये तीसरा फॉर्मूला है स्पेसिफिक वॉल्यूम। इट इज डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड ऑक्युपाइड बाय द यूनिट मास, और वॉल्यूम पर यूनिट मास ऑफ द फ्लूइड इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक वॉल्यूम। ये सिंपली जो डेंसिटी होता है डेंसिटी से अपोजिट रहता है, जैसे डेंसिटी है मास पर यूनिट वॉल्यूम, यहाँ पर रहेगा वॉल्यूम पर यूनिट मास। तो वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिवाइडेड मास ऑफ द फ्लूइड, सो 1 बाय मास ऑफ द फ्लूइड और वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। तो ये क्या होता है, डेंसिटी का रेसिप्रोकल, यहाँ पे दिया है 1 बाय रो, 1 बाय रो, समझ में ना। तो इसका यूनिट क्या रहेगा, जैसा डेंसिटी का यूनिट है मीटर केजी पर मीटर क्यूब, और ये उसका उल्टा है, तो इसका क्या रहेगा, मीटर क्यूब पर केजी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है अपना स्पेसिफिक ग्रेविटी। सो स्पेसिफिक ग्रेविटी का देखिए, इट इज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक वेट ऑफ द गिवन लिक्विड टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ द वाटर एट स्टैंडर्ड रेफरेंस टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और इसको डिनोट किया जाता है एस से। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है रेशियो ऑफ स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वेट ऑफ द लिक्विड, मतलब जिस लिक्विड का तुमको स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है उस लिक्विड का स्पेसिफिक वेट डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक वेट ऑफ अ वाटर। समझ में आया, तो स्पेसिफिक वेट ऑफ द वाटर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब या 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो देखिए, कोई भी लिक्विड का अगर अपने को निकालना है स्पेसिफिक ग्रेविटी, अब देखिए ये जो SHG लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, SHG मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्क्यूरी। तो हमको क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्क्यूरी निकालना है तो स्पेसिफिक वेट ऑफ मर्क्यूरी डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक वेट ऑफ प्योर वाटर निकालना पड़ेगा। अब स्पेसिफिक वेट ऑफ मर्क्यूरी क्या होता है, तो 13133 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, और ये कहाँ से आया, तो सिंपली 9810 को मल्टीप्लाई करना पड़ता है स्पेसिफिक ग्रेविटी से। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 9810, ये हो जाएगा, यहाँ पे किलो न्यूटन में लिखा है इसलिए यहाँ पे 9.81 लिखा हुआ है, 133 डिवाइडेड बाय 9.81, ये हो जाएगा 13.6। हाँ, सो इसमें देखिए सिर्फ इसका वैल्यू 13.6 है, यहाँ पे यूनिट नहीं लिखा हुआ। यूनिट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर में भी स्पेसिफिक वेट है और डिनोमिनेटर में भी स्पेसिफिक वेट है, तो यहाँ पे न्यूटन पर मीटर क्यूब ऊपर में जाएगा, न्यूटन पर मीटर क्यूब नीचे में भी जाएगा, इस वजह से न्यूटन पर मीटर क्यूब दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे यूनिट लेस क्वांटिटी आएगा। आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, द स्पेसिफिक वेट ऑफ मर्क्यूरी एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ, न्यूमरिकल, अब देखिए यहाँ पे हम लोग एक न्यूमरिकल सॉल्व कर रहे हैं, कैलकुलेट स्पेसिफिक वेट डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1 लीटर ऑफ लिक्विड विच वेट्स 7 न्यूटन। तो ये ध्यान, एक न्यूमरिकल दिया हुआ है, ये पेपर में आ चुका है इसके पहले भी। क्या करना है हमको, कैलकुलेट करना है स्पेसिफिक वेट, उसके बाद डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट डब्ल्यू, डेंसिटी रो, और स्पेसिफिक ग्रेविटी एस ऑफ 1 लीटर ऑफ लिक्विड विच वेट्स 7 न्यूटन। तो लिक्विड का वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, और उसका वजन कितना है, वेट 7 न्यूटन। देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन, गिवन में क्या है, हम लोग को क्या क्या गिवन है वो लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले वॉल्यूम दिया हुआ है, तो वॉल्यूम है 1 लीटर। अब ये लीटर्स में दिया हुआ है, और हमको जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो हमको चाहिए ये मीटर क्यूब में। तो 1 लीटर का मीटर क्यूब में कैसा रिलेशन होता है, 1/1000, तो ये हो जाएगा लीटर्स का मीटर क्यूब में। समझ में आया, तो ये हो गया 1/1000 मीटर क्यूब, और वेट दिया हुआ है 7 न्यूटन। अब देखिए यहाँ पे W गिवन है और वॉल्यूम गिवन है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वेट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग स्पेसिफिक वेट सॉल्यूशन में,
वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वेट कितना है 7 न्यूटन, वॉल्यूम है हमारा 1/1000 m³, तो ये हो जाएगा 7000 न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये याद रखना, 7000 न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला आंसर। अब दूसरा है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? रो इंटू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। लेकिन देखिए मास अपने को गिवन नहीं है, तो हमारे पास दूसरा फॉर्मूला है डब्ल्यू इज इक्वल टू रो इंटू जी। ठीक है, सो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू डिवाइडेड बाय जी। तो डब्ल्यू हम लोगों ने यहाँ पे निकाल चुके हैं, 7000 न्यूटन मीटर क्यूब, न्यूटन पर मीटर क्यूब, डिवाइडेड बाय जी है 9.81। तो डब्ल्यू डिवाइडेड बाय जी करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 713.5 kg/m³। ठीक है, अब तीसरा है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। अब ये जो भी लिक्विड है उसका डेंसिटी, ठीक है, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर। तो ये लिक्विड का हमने डेंसिटी निकाल चुके हैं। अब ये देखिए यहाँ पे स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक वेट ऑफ प्योर वाटर बोला था, लेकिन स्पेसिफिक वेट क्या होता है, रो इंटू जी। तो स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड क्या रहेगा, रो मतलब डेंसिटी इंटू जी, डिवाइडेड बाय डेंसिटी रो इंटू वाटर का। तो रो इंटू जी यही पाएंगे, तो जी जी का वैल्यू कॉमन रहेगा यहाँ पे, इसलिए इन्होंने क्या लिया, सिर्फ रो काट लिया। ये कंसेप्ट समझ में आ गया आप लोगों को? देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है यस इज इक्वल टू डब्ल्यू लिक्विड डिवाइडेड बाय डब्ल्यू वाटर। ठीक है, अब डब्ल्यू लिक्विड मतलब क्या हो गया अपना, रो इंटू जी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय रो इंटू जी ऑफ वाटर। ठीक है, अब ये जी 9.81 यहाँ पे भी, जी 9.81 यहाँ पे भी, तो ये दोनों पे क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा रो ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय रो ऑफ वाटर। तो रो ऑफ लिक्विड मतलब क्या, डेंसिटी ऑफ लिक्विड हम लोगों ने निकाल चुके हैं 713.5, और डेंसिटी ऑफ वाटर ये दीवन नहीं है, लेकिन आप मैंने क्या बोला आपको कि ये हमेशा याद रखना कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1000। इसका आंसर कितना आएगा, 0.7135। याद तो समझ में आया दोस्तों, आगे बढ़ेंगे फिर। ये एक और न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट डेंसिटी स्पेसिफिक एंड वेट ऑफ 1 लीटर ऑफ लिक्विड ऑफ पेट्रोल एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 0.7। अब यहाँ पे देखिए इसने वॉल्यूम दिया हुआ है और स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है, और डेंसिटी स्पेसिफिक वेट और वेट ऑफ 1 लीटर ऑफ लिक्विड निकालना है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, गिवन में वॉल्यूम 1 लीटर दिया हुआ है, तो 1 × 10⁻³ है ना, 1/10⁻³ कितना होता है, 0.001 m³। स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया 0.7, तो हमको निकालना क्या है, डेंसिटी फिर स्पेसिफिक वेट और फिर वेट। तो डेंसिटी निकालने के लिए क्या है, तो डेंसिटी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, डेंसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। सो एस हम लोग क्या निकालना है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड निकालना है अपने को, तो क्या करेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी को मल्टीप्लाई बाय करेंगे डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.7 गिवन है, डेंसिटी ऑफ वाटर 1000, ये अज्यूम करना है हम लोगों को, ये गिवन नहीं रहेगा डेंसिटी ऑफ वाटर, 0.7 × 1000 इक्वल टू हो जाएगा 700 kg/m³। उसके बाद स्पेसिफिक वेट का फॉर्मूला है डब्ल्यू इक्वल टू रो इंटू जी, तो रो हम लोगों ने निकाल दिया, जी की वैल्यू गिवन नहीं रहेगी, लेकिन ये स्टैंडर्ड वैल्यू 9.81 N/m³, 6867 N/m³। तीसरा है वेट। वेट का फॉर्मूला क्या रहेगा, वी नो दैट स्पेसिफिक वेट इज इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम। स्पेसिफिक वेट हम लोग निकाल चुके हैं यहां पे, वॉल्यूम हमारे पास गिवन है, तो यहां से निकल जाएगा वेट, ये हो गया अपना। ठीक है, समझ में आया आपको यहां तक, आगे बढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमएसबीटी, तो एमएसबीटी एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 1 में डिफाइन स्पेसिफिक ग्रेविटी, मास डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वॉल्यूम। 4 मार्क्स के लिए फिर ऐसे कुछ न्यूमेरिकल आते हैं, 2 मार्क्स के लिए भी आ सकते हैं, 4 मार्क्स छोटे छोटे न्यूमेरिकल, 2 मार्क्स के लिए या थोड़ा सा बड़ा आता है 4 मार्क्स के लिए। ये जो न्यूमेरिकल्स है ये आपको एज ए असाइनमेंट सॉल्व करना है, अगर कोई डिफिकल्टी होगी तो हम लोग जब भी अपना क्लास लेंगे उसमें आपको इसके डाउट क्लियर करना। ठीक है, यहाँ पे आज हम लोग रुक रहे हैं दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोगों को आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का पार्ट। थैंक यू, थैंक यू।